दोस्तों विकराल और गबराल को तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। ये 2003 से लेकर 2004 तक स्टार प्लस पर चलने वाला सबसे खतरनाक और रोमांचक टीवी शो था। लोग इसके इतने दीवाने थे कि इसके टीवी पर शुरू होने से पहले ही लोग टीवी के सामने नजरें गड़ाकर बैठ जाते थे। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में विकराल और गबराल के 5 सबसे खतरनाक और रोमांचक हॉरर एपिसोड के बारे में बताऊंगा, जो विकराल और गबराल देखने वाले उस हर शख्स को देखने चाहिए जो हॉरर शो का दीवाना है। उससे पहले दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नंबर 1, वुल्फ हंट। दोस्तों ये विकराल और गबराल का 3रा एपिसोड था और इस एपिसोड में दिखाया गया था कि कुछ दोस्त देहरादून की यात्रा पे जाते हैं, जहां पर यात्रा के दौरान उनका सामना एक आदमखोर भेड़िए से होता है और अंत में विकराल उन सभी दोस्तों को उस भेड़िए के चंगुल से बचा लेता है और भेड़िए को मारकर एक बोतल में बंद कर देता है। नंबर 2, द टाइम मशीन। दोस्तों विकराल गबराल के इस एपिसोड में दिखाया गया था कि विकराल और गबराल कुछ लड़कों को बचाने के लिए टाइम मशीन के जरिए अपने समय से 10,000 साल पहले यानी भूतकाल के समय में चले जाते हैं। और इस एपिसोड में एक शैतानी साइंटिस्ट को भी दिखाया गया था जो अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए लोगों को तंग करता रहता था और अंत में उसे भी विकराल मार कर एक बोतल में पैक कर देता है। नंबर 3, काली डायन। दोस्तों इस एपिसोड में विकराल और एक लड़की दोनों मिलकर अच्छे भूतों की शादी में जा रहे होते हैं, लेकिन दोनों जब बीच में एक गांव में रुकते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहां पर काली डायन का साया है और अंत में विकराल का सामना उस डायन से होता है। नंबर 4, सच का फल। दोस्तों विकराल और गबराल के इस एपिसोड में पुलिस की मदद करने के लिए और शहर को बम धमाकों से बचाने के लिए विकराल और गबराल को सच का फल लेने के लिए खतरनाक जंगल में जाना पड़ता है, जहां पर उनका सामना कई आत्माओं से होता है, लेकिन उन सब से निपटकर विकराल और गबराल सच का फल ले आते हैं और शहर को बम धमाकों से बचा देते हैं। नंबर 5, सोने की डायन। दोस्तों इस एपिसोड में एक डायन को दिखाया गया था जिसके पास सोने का जादुई पानी होता है और जिससे वो लोगों को सोने की मूर्ति बना देती थी। यहाँ तक कि गबरू में भी यह पावर आ जाती है और वो जिस भी चीज को छूता है वो सोने की बन जाती है। इस श्राप से बचने के लिए और उस डायन को मारने के लिए विकराल और गबराल जादुई झील का पानी लेने जाते हैं। इस दौरान उनका सामना कई मुसीबतों से होता है, लेकिन अंत में विकराल उस जादुई झील का पानी लेकर आ जाता है और उस डायन को भी मार देता है, साथ ही जो भी मूर्तियां सोने की बनी हुई थी उन्हें वापस इंसान में तब्दील कर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे हमारे चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।